एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रैवलिंग टिप्स विद अ किड। कई बार ऐसे होता है कि छोटे बच्चों के साथ हम कोई ट्रिप प्लान करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक देम आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन। बट ऐसा कुछ नहीं, छोटे बच्चों के साथ भी आप एक वंडरफुल ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उसके लिए बस थोड़ी एनर्जी चाहिए और थोड़ी प्लानिंग चाहिए। तो जब भी आप एक किड के साथ ट्रैवल प्लान करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें प्लान करनी है। द डिटेल्स ऑन प्लानिंग, डेस्टिनेशन, अकोमोडेशन, आइटिनरी, व्हाट टू पैक, फूड एंड अदर टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ ये सब कुछ। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज ट्रस्ट मी, This video is definitely going to help you when you're planning your trip with a kid. So the first point जो हमें ध्यान रखना है is planning. Planning is the key when you're traveling with a child. तो आप थोड़ा सा time रखिए अपने travel और planning के बीच में so that you can plan your trip well. You can plan the accommodation, you can choose the destination, you can choose child-friendly activities जो अपने trip में करने वाले हो। तो इन सब चीज के लिए थोड़ा time की जरूरत है और वो टाइम के लिए ही यू हैव टू चूज अ वाइज कैब जिसमें आप थोड़ा प्लानिंग एंड रिसर्च कर सकते हो। द सेकंड पॉइंट इज फाइनलाइजिंग योर डेस्टिनेशन। तो जब भी आप अपने बकेट लिस्ट से डेस्टिनेशन चूज कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू ऑप्ट फॉर अ चाइल्ड फ्रेंडली डेस्टिनेशन। चाइल्ड फ्रेंडली डेस्टिनेशन एज इन कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर चूजिंग योर डेस्टिनेशन, लाइक द सेफ्टी ऑफ अ प्लेस, द हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल, द एक्सेसिबिलिटी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन चिल्ड्रन बिलो अ सर्टेन एज अलाउड भी नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंटरटेनमेंट के पर्पज से चूज अ प्लेस जहाँ पे थोड़े फैमिली एक्टिविटीज, चिल्ड्रन के लिए अट्रैक्शन हो ताकि आप भी एंजॉय कर सको और आपके बच्चे भी एंजॉय कर सके। Now next point जो मैं ध्यान में रखती हूँ is planning my itinerary. तो यूजुअली मैं जब itinerary प्लान करती हूँ अपने ट्रैवल का, specially during long travels, I make sure that I have one or two days extra in hand. For example, जब हम अंडमान गए थे, it was a 7 days itinerary, but मैंने अपना stay 9 days के लिए plan किया था क्योंकि वो एक तो long duration का travel था तो उसमें बच्चा थक भी जाता है, तो बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स प्लान करना भी नेसेसरी है। और वैसे भी आइटनरी में पर डे में आप कितनी जगह कवर कर सकते हो उसमें भी लिमिटेशन होता है। बच्चों के साथ आप इतना एक्सर्शन वाला एक डे प्लान नहीं कर सकते हो, तो दिन भी छोटा प्लान कीजिए और डेज भी थोड़ा रिलैक्सिंग रखिए, बीच में ब्रेक्स प्लान कीजिए। इस हिसाब से अपने आइटनरी में अपने साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें प्लान कीजिए, अगर उनके लिए कुछ ऐसे अट्रैक्शंस आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आइटनरी में ताकि आप भी अपना ट्रिप एंजॉय करो और वो भी अपना ट्रिप एंजॉय करें। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अकोमोडेशन। तो व्हेनेवर आई एम चूजिंग अ प्लेस टू स्टे, आई एम अ लिटिल फिनिकी अबाउट माय स्टे, तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करती हूँ, मैं रिव्यूज पढ़ती हूँ, मैं हाइजीन, क्लिनलीनेस, वॉशरूम्स वगैरह ये सब ध्यान में रख के बुकिंग करती हूँ बिकॉज बच्चों के लिए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वेर यू आर स्टेइंग। एंड समटाइम्स यू नो इन 4-star and 5-star अकोमोडेशन यू ऑल्सो गेट बेबी फूड फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले, ऑयल, तीखा ना हो, ऐसा खाना वो ऑन रिक्वेस्ट, इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभी बना देते हैं। वट एवर साइट्स यू आर चूजिंग व्हेन यू आर बुकिंग योर स्टे, इवन इफ योर चाइल्ड इज एन इन्फेंट, तो वो मेंशन करना मत भूलिए व्हेन यू आर पुटिंग ऑल द डिटेल्स इन द फर्स्ट पेज, नंबर ऑफ गेस्ट एक्सेट्रा। यूजुअली चिल्ड्रन अप टू 5 years या डिपेंडिंग अपॉन यू नो जो भी पॉलिसीज होटल या अकोमोडेशन ने डिफाइन किया है उस हिसाब से योर चाइल्ड स्टेज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट फिर भी उसको मेंशन करना इसलिए जरूरी होता है ना, ये साइट्स आपको वही जगह, वही प्लेस ऑफ अकोमोडेशन सजेस्ट करते हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली है। अदरवाइज जहाँ पे मुझे अच्छा ऑप्शन मिले, आई ऑलवेज ट्राई टू बुक एयरबीएनबी। एयरबीएनबी में क्या होता है ना, यू गेट किचन फैसिलिटी, स्पेशली व्हेन आई गो ऑन लॉन्ग टूर्स, अगर बच्चा बहुत दिन घर से बाहर हो तो खाने के लिए थोड़ा सा फिनिकी हो जाता है। तो अगर आप एयरबीएनबी में रुकते हो विद किचन फैसिलिटीज, यू कैन प्रिपेयर योर बेबीज फूड सो दैट वो घर के खाने से भी बहुत दिनों तक जुदा नहीं हो, और बच्चे का खाने का अगर इंतजाम हो जाए ना, ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे से टेंशन फ्री होकर घूम सकते हो। तो एयरबीएनबी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पैकिंग, और पैकिंग में भी बहुत सारे सब पॉइंट्स आते हैं जो हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। यू हैव टू प्लान योर पैकिंग रियली वाइज। मैं हमेशा क्या करती हूँ अपने पैकिंग में, चेकलिस्ट मेंटेन करती हूँ स्पेशली फॉर द चाइल्ड, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले ही तो आते हैं कपड़े। कपड़े इज डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अगर आप बहुत गर्मी वाले जगहों पे जा रहे हो, बीच डेस्टिनेशन जा रहे हो, तो प्लान टू कैरी लाइट क्लोथिंग, बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप कोई कोल्ड प्लेस में जा रहे हो, डेफिनेटली उस हिसाब से
कैप्स, वुलन्स वैसे आप कैरी कीजिए। व्हेनेवर यू आर पैकिंग क्लोथ्स, जितने दिनों के लिए आप जाते हो उससे ज्यादा ही कपड़े पैकिंग कीजिए, क्योंकि बच्चों को ज्यादा कपड़े लगते हैं। स्मॉल साइज बॉटल्स में बच्चों के टॉयलेट्रीज भी जरूर पैक कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेफिनेटली डू कैरी द मेडिसिंस, बेसिक जो जनरल मेडिसिंस आप अपने बच्चे के लिए यूज करते हो, फॉर कोल्ड, फॉर फीवर, फॉर पेन, ऐसे कुछ कुछ मेडिकेशंस जो आपके बच्चे के लिए आपको रेगुलरली लगता है, वो सब डेफिनेटली कैरी कीजिए। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू पैक सम लाइट वेट फेवरेट टॉयज ऑफ योर चाइल्ड का, अपने बच्चे को एंगेज रखने के लिए थोड़े बहुत खिलौने भी ले लीजिए। The next point is documents. So keep all the documents handy. Birth certificates, Aadhaar card अगर आपने बना लिया है तो बच्चे का वो definitely carry कीजिए, airport में वो definitely check करना है। Next is very very important, जो मैं सबसे पहले pack करती हूँ, is my handbag. Handbag में कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल handy होनी चाहिए, जिसमें से आता है diapers, wipes, mats, hankies, bibs. Then I do carry some food and water. ये चीज़ें मेरे handbag में हमेशा रहती हैं। And also I carry a swaddle. वो swaddle आपके बच्चे अगर सो रहे हैं तो ओढ़ने के काम भी आता है, in case if you are feeding उसमें भी काम आता है। अब बात करते हैं खाने के बारे में। हाँ, तो you have to pack your food wisely as well. आप enough water रखिए अपने bag में, कुछ कुछ snacks, homemade snacks आप carry कर सकते हो। Then you can carry some fruits with you. You can carry sandwich, जो भी आप खराब नहीं होते हैं वैसी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। तो मैं विदक्षी के लिए जब भी ट्रैवल करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, मैं कुछ खाना घर से भी बना के ले जाती हूँ, सो दैट एक टाइम का मील मेरे पास अच्छे से रहे, प्लस मेरे पास स्नैक्स या फ्रूट्स आइटम भी रहते हैं। स्ट्रोलर, यस, स्ट्रोलर एक बहुत काम की चीज़ है जो आपको डेफिनेटली लेके जाना है फॉर वेरियस रीजंस। एयरपोर्ट में आपको पता है कि स्ट्रोलर इज नॉट कंसिडर्ड अमंग बैगेजेस, तो स्ट्रोलर ही एक चीज़ है जो कि अलाउड होता है बियॉन्ड सिक्योरिटी चेक इन, एंड यू कैन कैरी द स्ट्रोलर अप टू द गेट ऑफ द एरोप्लेन। तो कितनी काम की चीज़ है ना, और जब आप फ्लाइट से उतरते भी हो तो वहीं पे आपको स्ट्रोलर मिल जाता है। तो अगर आपके बच्चे फ्लाइट में सो गए हैं, उनको लेके बहुत लंबा चलने से अच्छा है कि आप स्ट्रोलर कैरी कीजिए, सो दैट आप अपने बच्चे को स्ट्रोलर में सुला सको। इनफैक्ट एक काम की बात बताओ, अगर बच्चे स्ट्रोलर में बैठने को इनकार भी करते हैं ना, तो वो स्ट्रोलर आपके हैंड बैग्स वगैरह, लैपटॉप बैग्स वगैरह रखने के लिए तो बहुत काम आता है। और वैसे भी अगर आप सिटी में घूम रहे हो या कहीं पे भी बीच साइड, स्ट्रोलर जहाँ पे आप कैरी कर सकते हो, जितना दूर हो सके अगर आप अपने बच्चों को स्ट्रोलर में ले जाते हो, तो उनके पैर भी नहीं थकते, आपके हाथ भी नहीं थकते। तो स्ट्रोलर इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग टू कैरी, स्पेशली अगर आपके बच्चे बिलो 3 या 4 इयर्स एज के हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवल लाइफ। हाँ, अभी अभी हमने पैकिंग की बात करी है। यू डेफिनेटली नीड टू पैक ऑल द एसेंशियल्स, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवर पैकिंग। यू शुड ऑलवेज ट्रैवल लाइट व्हेन यू आर विद योर चाइल्ड। एयरपोर्ट से ट्रांसफर, यहाँ वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा लगेज रहता है, उसके साथ बच्चे को संभालना मुश्किल होता है। तो आई ट्राई टू कवर मोस्ट पॉइंट्स जो मैं खुद ध्यान रखती हूँ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद माय किड, बट इसके अलावा भी अगर कोई भी ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में आपको कोई फर्दर क्वेश्चंस है या कोई अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, तो डू डेफिनेटली शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर थॉट्स, योर क्वेश्चंस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ देम। इस पॉइंट पे मैं और एक चीज़ भी ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चा कभी कभी क्रैंकी हो जाता है, तो ऐसे आप गिल्टी फील मत कीजिए कि अरे यार घर पे बैठते तो अच्छा होता। अरे ट्रैवलिंग इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस जो अपने बच्चे के एक्सपीरियंस पे भी ऐड ऑन कर रहे हैं। घर में ऑफकोर्स वो एक जो होमली एनवायरनमेंट, एक रूटीन से वो चलता है, उसके बियॉन्ड जब वो जाता है कोई बात नहीं, उसको भी एंजॉय करने दीजिए, उसको भी अपने एक्सपीरियंसेस में नए एक्सपीरियंस ऐड करने दीजिए। तो समराइजिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर जर्नीज, मेक एवरलास्टिंग मेमोरीज एंड एंजॉय योर ट्रिप एंड प्लान योर ट्रिप विद अ किड रियली वेल। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ट्रैवल वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज। तो आज का वीडियो इसी बात पे मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए डेस्टिनेशन में। तब तक स्टे ब्लेस्ड, stay happy, take care and stay tuned for the next one. Bye-bye.